बाप। मैं बाल कटवाने गया था, फिर वहां पे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद का ही कटवा लिया। पिछले 45 मिनट से हम कटिंग की शॉप ढूंढ रहे थे, तो कई अच्छी स्मेल नहीं आ रही थी, कहीं कुछ हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा, कुछ कुछ होता है राहुल, कई ज्यादा पैसे मांग रहे थे, मतलब ज्यादा थे, तो आखिरकार ये अच्छी शॉप मिली है और मेहुल खुश है। गाने भी मस्त चल रहे हैं। तो यार बात ऐसी है कि आज है हमारा आइस ब्रेकिंग इवेंट, तो अच्छा बन के जाना पड़ता है ताकि जूनियर को लगे कि सीनियर अच्छा है, और अच्छी कपड़े नहीं पहनोगे तो अच्छा कैसे लगेगा। इससे पूछते हैं अपन, आपने क्या तैयारी किया इस ब्रेकिंग इवेंट की? मैंने कुछ तैयारी नहीं की है। और मैंने आज सुबह फ्रेशर्स के पैसे भरे और पास लिया है। कितना लेट क्यों भरे आपने? आपकी इच्छा नहीं थी आने की? इच्छा तो थी, लेकिन पैसा कम है, ऑप्शन में रह रहे हैं। अच्छा, ये लड़के की सुपर शॉपिंग है पता है, ठीक है, और ये बोल रहे पैसा कम है, सुपर शॉपी, हाँ वैसरी, कहीं और जा रहे हैं पैसे, कहीं और जा रहे हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। कि मैं बाल कटवाने गया था, फिर वहां पे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद का ही कटवा लिया है। तो ये बाल आगे से तो काफी मतलब ठीक लग रहे हैं, ऐसे भी नहीं कि इतने बुरे लग रहे हैं। साइड से देखो पूरा यादव जीरो ही कर दिया भाई ने, और वहां से फेड ही नहीं है, और पीछे से तो भाई साहब मैं बताना भी नहीं चाहता आपको, दिखाना भी नहीं चाहता, पीछे से सिर्फ जीरो और फिर वहां से एकदम बढ़ गए। तो ऐसा लग रहा है मैंने कैप पहनी है, ऐसे वीक पहना है, पर छोड़ो अभी जो भी है। इसलिए मैंने सोचा थोड़ी फेस के लिए कुछ कर लेते हैं, इसलिए मैंने पैक लगा दिया है, और इस पे बहुत मुझे पता है बहुत लोग को हंसी आएगी कि यार ओहो लड़का है फेस पैक लगाता है। देखो भाई अपने को पसंद है सेल्फ केयर, सेल्फ लव, छोड़ो मेरी बातें बाद में करते, अभी अपन फेस धोते हैं, वॉश करते हैं, फट से रेडी होते जाते हैं आइस ब्रेकिंग इवेंट के लिए। कोई भी रेडी नहीं, और मैं रिकॉर्ड करने वाला था बाहर सबको, बट दोस्तों को, बट सबके सब यहाँ पर अभी अच्छी अवस्था में नहीं है, इतना कहना चाहूंगा। तो यार ऐसा लग रहा है तुम्हारा भाई आज लैवेंडर टी शर्ट, ब्लैक जॉगर्स एंड वाइट पुमा शूज जो उस दिन आए थे, बस इस बात का डर है मुझे कि मेरे शूज खराब ना हो जाए, इसलिए मैं बैग में अपने क्रॉक्स भी लेके जा रहा हूँ कि ताकि जब डांस वगैरह हो तो मैं क्रॉक्स पहन लूँ, क्योंकि मेरे वाइट शूज पे मुझे थोड़ा भी डाग नहीं चलेगा, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। दीज आर माई शूज, आपको पता ही होगा कि मैं सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में शूज़ को चाहता हूँ, तो इसको ज़्यादा मिलेगा ही वॉच टाइम मेरे वीडियो में। ये हमारा मिस्टर फ्रेशर लास्ट ईयर का, जो मेरे व्लॉग में मुझे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। अरे सबसे पहले बाहर जाने वाला मिस्टर फ्रेशर में? नहीं नहीं, ये टैलेंटेड गाय, एनाटॉमी टॉपर। चलो सबके सब चलो जल्दी, अभी ये रह गया मेरा, क्या है वो कार्ड, अरे यार शिट पास रह गया मेरा, चलो चलो पास रह गया, पास तूने लिया क्या पास? और ये है हमारा सबसे ज्यादा अमीर लड़का हमारे हॉस्टल का, ये रह गया था मेरा पास, इसके बिना खाना नहीं मिलने वाला हमें। खाना यानी कि आज तो सिर्फ ब्रेकफास्ट ही हुआ शायद, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे ये लैवेंडर टी शर्ट बड़ा सही लग रहा है यार मुझे, मैंने कभी ऐसे पिंक कलर या फिर ऐसे ब्राइट कलर्स बहुत कम पहने, यूजुअली मैं ब्लैक ब्लू इनमें ही खेलते रहता हूँ, ग्रीन, बट इस टाइम मैंने सोचा यार कुछ अलग करते, चलो। यहाँ पे चल रही है पेपर डांस की कंपटीशन, जहाँ पे
एक पेपर पे सीनियर और जूनियर को खड़ा रहना होता है और हर एक लेवल के बाद पेपर छोटा होते जाता है, मतलब फोल्ड होते जाता है। पता है ना सबको पेपर, अगर पता नहीं हो तो नीट एस्पिरेंट्स दिख रहे हैं मेरे को क्या, जिसमें हमारे रैंडम चीट्स लिए गए थे कि जूनियर और सीनियर से रैंडम चीट्स लिए गए थे, जिसमें से मुझे सबसे पहले मेरा रोल नंबर लिया गया और जहाँ पे मुझे इनकी चीट्स मिली, यह मेरी जूनियर, वो भी मेरे ही गांव से अकोला से ही है और उसका नाम भी मैंने सुना सुना सा है, निधि तापड़िया। तो ये है हमारे फ्रेशर्स इवेंट का नाम और आज है फ्रेशर्स और आज अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, फिर भी हम अभी भी प्रैक्टिस ही चल रही है, डेकोरेशन चल रहा है, हमारे इंट्रोडक्शन करने जो वाले हैं मेरा वो साहब ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये लास्ट शायद कुछ बता रहे हैं सर लोग कि क्या करना है फ्रेशर्स को एक्चुअल इवेंट में। मुझे तो यार समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे थोड़ा सा एंजाइटी भी फील हो रहा है क्योंकि कुछ भी एक्चुअली मैंने लिखा हुआ नहीं है, सब ऑन टाइम ही लग रहा है मेरे को, कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है मेरे। चलो चलते हैं हॉस्टल, रेडी होके वापस आते हैं। गर्ल्स की इंटरेक्शन वाला वैसे निंगल अल्लाह ऐसे शुरू करने वाला हूँ मैं प्रोग्राम की शुरुआत, मैं ये नहीं, ये बस मेरे को सिखा रहा है क्योंकि ये खुद तेलुगु है ना, ऋषभ महेश है, इसको मैंने इंट्रोड्यूस किया नहीं क्या अब तक मैंने व्लॉग में, ये ऋषभ महेश है। आज सबको ही कर देते, ये मिस्टर फ्रेशर हमारी बैच का कार्तिक विठोबा देवारे। भाई साहब इतना कॉन्फिडेंस है इस लड़के में, इसमें ये बंदे में आलस नाम का ए भी नहीं है। मतलब दुनिया में अगर आपको डिसिप्लिन सीखना है भाई के पास आ जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाता है, जब मैं सोने जाता हूँ ये उठ जाता है, उठ जाता है। ये जो लड़की आप देख रहे हो, ये जो काम कर रही है इतना, वो लड़की ये हमारी बैच की रनर अप है, मिस फ्रेशर रनर अप। अरे क्या बात है, ओहो मस्त रनर। बोल बबलू शेठ, बढ़िया काम करो, चलो इतने सारे ट्रॉफीज देख के भाई ऐसा लग रहा है फिर से फ्रेशर्स कंपटीशन में आना चाहिए मैंने।
वो जो व्हाइट टी शर्ट में आप देख रहे हो वो है हमारे जॉइंट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, और जो ब्लू टी शर्ट में देख रहे हो वो है हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी कॉलेज के। हमारी जो एम ओ सी है हमारे साथ, पहले तो समीक्षा मैम यानी कि मेरी मिस प्रेशर हमारी निकाल रहा हूँ, रुक ना थोड़ा। तो ये है समीक्षा मैम को लेने आए हुए जनक सर और ये आज ऐसे दिख रहे हैं। यस मैम बोलो ना। यस मैम लगता है हमारी मिस फ्रेशर 2021 आ रही है। मेरे को भी ले। हेलो मैम, दिस इज फॉर यू, यू लुक ब्यूटीफुल। चलो। मेरी मैम कहाँ गई यार? यार मेरी परी नहीं आई। चलो निकलो निकलो जल्दी, चलो चलो चलो। अब मैं आपको वो लड़की दिखाता हूँ जो उस दिन मैंने रेलवे स्टेशन पे मुझे मिली थी, याद है? वो ऐसे रैंडमली मैंने पूछ लिया था उसको, वो आज देखो कैसे दिख रही है। जस्ट लुक एट हर, लुक एट हर। ओ भाई साहब, क्या मैं आपको भी छोड़ दूँ मैम? अरे बाप। बस भाई ये तो मिलियंस में जा रहा है मेरा वीडियो। एक और सर आ गए, सेक्सी सर है, शर्मा गए। तो दूसरी परी ऑफ और बैक। माना रणवीर सिंह के अदाओं की है थोड़ी कम, मगर कॉन्फिडेंस का उसी की तरह बड़ा पिटारा। बातें करता बकर बकर, कुछ ना सोचता अगर मगर, घच्चा घच्चा रे घच्चा घच्चा। स्वागत करो मेरे कल्लू का, मिस्टर प्रेशर्स रनर अप 2021 कलराज काटोल। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।